तुहाडा वोट तुहाडी ताकत, वोट जरूर करो। चोणां नाल जुड़ी हर खबर डाउनलोड करो तक ऐप। इस वक्त हम मौजूद हैं केएमपी एक्सप्रेसवे के ठीक उसी जगह पर जहां पर मंगलवार रात 7:50 से 55 मिनट के बीच पर दीप सिद्धू की गाड़ी का एक ट्रक के साथ जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। आप यहां पर देखिए, पुलिस की टीम मौजूद है और पूरे जो सीक्वेंस है जहां पर गाड़ियों के निशान है, जहां पर गाड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इसके पहले FSL की टीम, फॉरेंसिक टीम यहां पर पहुंची थी और दोनों गाड़ियों का फॉरेंसिक टीम ने जायजा लिया, तमाम सबूत मौके से उठाए। और ये जो पूरा सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियों के निशान, जो सड़क पे टायर के निशान बने हुए हैं, कितनी दूरी से बने हुए हैं, किस तरीके से एक्सीडेंट लगने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद ये गाड़ियों के निशान किस तरीके से बने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जाँच पड़ताल की गई, बारीकी से एक एक पहलू की जांच पड़ताल की गई। तमाम आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा सीक्वेंस है वो समझा जा सके, सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश की गई ताकि एक्सीडेंट जो हुआ है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए जो चश्मदीद हैं उनके बयान भी दर्ज किए गए, CCTV जो पूरे रूट का है कि कितने बजे सिद्धू 7:15 पर उनकी गाड़ी KMP पे एंट्री करती है बादली मोड़ से और यहाँ पहुँचने में करीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं और इतने ही देर के बाद ये एक्सीडेंट हुआ, तो ये पूरा सीक्वेंस भी यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है वो बनाने की कोशिश कर रही है। ये वही गाड़ी है, इसकी एक एक पूरी फॉरेंसिक टीम और CFSL की टीम ने इस गाड़ी की जांच की और साथ ही साथ उस ट्रक की भी जांच की जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल पुलिस तलाश रही है ट्रक के ड्राइवर को ताकि उससे पूछताछ के बाद एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ ये भी साफ हो सके। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, सोनीपत।